मंगेश यादव एनकाउंटर का सबसे बड़ा सबूत, सुल्तानपुर डकैती का रायबरेली कनेक्शन, कमरा नंबर 404 में रची गई डकैती की साजिश, रूम नंबर 404 में ही लाया गया था लूटपाट का माल। आज भले ही एनकाउंटर पर सियासी खींचतान जारी है, अखिलेश यादव बार बार एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, लेकिन डकैती कांड का अब रायबरेली कनेक्शन भी सामने आ गया है। ये जो कमरा नंबर 404 आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां मंगेश यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची और फिर डकैती का माल लाकर इसी कमरा नंबर 404 में छिपा दिया। अटे कॉलोनी का यही वो 404 नंबर का घर है। घर का ये दरवाजा कुंडी खुली हुई है, खोलकर हम अंदर चलते हैं, आपको डिटेल दिखाते हैं। इसी घर में वो लुटेरे बताया जा रहा है कि एक महीने पहले से रह रहे थे। ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं, ये गद्दे बिछे हुए हैं, उन लुटेरों के कुछ गमछे, कुछ कपड़े, कुछ सामान भी रखे हुए हैं। यहीं पर लाकर लूट का सारा सामान रखा गया था। दरअसल एक महीने पहले से इसी घर में रहकर वो पूरी साजिश भी रची गई थी कि कैसे होना है, क्या होना है, कैसे करना है। देखिए उनका तमाम सामान यहाँ पर, जो की पैकेटें हैं, कपड़े हैं, पंखा है, वो सब बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं घरों में आकर वो रहे थे, यही वो पूरी जो साजिश है वो रची गई थी। ये सबूत है अखिलेश यादव और उन तमाम लोगों के जो एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। खाली कमरा है, इनमें अलमारियां हैं। पुलिस ने यहां पर पहुंचकर पूरे कमरे की तफ्तीश की, पूछताछ अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी की, कौन थे ये, यहां कैसे रह रहे थे। ये अलमारी है और इन्हीं कमरों में, इन्हीं जगहों पर रहकर वो पूरी साजिश रची गई थी, वो पूरी प्लानिंग की गई थी कि कैसे अटैक करना है, क्या कुछ होना है। जो हमलावर थे, जो मूल साजिश करने वाले थे, जिनमें से एक ने कोर्ट में सरेंडर किया, दो का हाफ एनकाउंटर हुआ, एक मंगेश का एनकाउंटर में मौत हो गई। ऐसे एक दो नहीं बल्कि तमाम सबूत हैं जो ये बताते हैं कि मंगेश यादव 28 अगस्त को ज्वेलर्स की दुकान में डकैती डालने में शामिल था। जौनपुर पुलिस ने मंगेश यादव की गिरफ्तारी से पहले उसके घर पर दबिश दी थी। इस दौरान मंगेश की बहन ने 2-3 महीने से मंगेश के बाहर होने की बात कही थी, लेकिन जब एनकाउंटर हो गया तो उसी बहन ने मंगेश को जबरदस्ती घर से उठा ले जाने का दावा कर दिया। यहाँ नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस यादव। प्रिंस यादव, क्या लगती हो मंगेश के? मंगेश कई बार जेल गए हैं? दो बार। कहाँ से? जौनपुर से एक बार, सुल्तानपुर। अच्छा, वो खा के मार के यहाँ जा रहे हैं। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे हो गए 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। अरे हो गए 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। सोमवार को 2 बजे रात को आके जबरदस्ती लेकर गए और हम लोग पूछने लगे तो बोले कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। 6-7 लोग पुलिस आए थे। क्या इनाम उनके ऊपर पहले से क्या घोषित था? कुछ ऐसा इनाम पैसा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें साफ देख सकते हैं कि ज्वेलरी की दुकान में लूट से पहले रेकी की गई। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के मुताबिक 2 बार रेकी हुई थी। इसी दौरान सीसीटीवी में विपिन सिंह कैद हो गया। अब इस बाइक चोरी के सीसीटीवी फुटेज को देखिए। जिन बाइक को लूट के दौरान इस्तेमाल किया गया, उन 2 मोटरसाइकिल की चोरी जौनपुर से की गई थी। अमिताभ यश ने बताया कि चोरी की योजना मंगेश यादव ने बनाई थी। मंगेश यादव भी चोरी में शामिल था, लेकिन अखिलेश यादव को तो यूपी पुलिस पर भरोसा ही नहीं रहा और अखिलेश अपराधी में जाति ढूंढने में लगे। सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि ये झूठा एनकाउंटर हुआ था। ये हालत है तब जब खुद यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार सबूत दिखा चुके हैं कि मंगेश यादव डकैती में शामिल था। वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक सुबह की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर जाति धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? अखिलेश यादव अपराधियों की पैरवी क्यों कर रहे हैं? बदमाशों पर कार्रवाई होती है तो उसमें भी दिक्कत क्यों है? आखिर क्यों वोट बैंक की राजनीति के लिए अपराधियों में जाति ढूंढी जा रही है?
रिपब्लिक भारत। तो चलिए यहीं से चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। जल्दी से बता देती हूँ कौन कौन हमारे साथ होगा। राकेश त्रिपाठी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। और हमारे साथ सपा की तरफ से पक्ष रखेंगे अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी आप ही के पास आते हैं। सवाल बड़ा ये है कि आखिर अखिलेश यादव अपराधियों की पैरवी क्यों कर रहे हैं? पुलिस ने सबूतों का अंबार लगा दिया है, बाइक चोरी हुई, किस तरीके से रेकी की गई, सब कुछ दिखा दिया है, फिर भी लगातार उनकी पैरवी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। देखिए सवाल मैं बोलूं अगर आप रोकिएगा नहीं, सवाल यह है कि एक 19-20 साल का लड़का जिसका घर झोपड़ी का है, टूटा फूटा घर है, घर में ठीक से खाने की भी जगह नहीं, माफियाओं के घर देखे आपने, जो गुंडे माफिया है उत्तर प्रदेश में, उनके आलीशान बंगले हैं, करोड़ों की गाड़ियां खड़ी हैं और विक्रम जी बैठे हैं, सर जानते होंगे वहां पे बड़े बड़े अधिकारी सलाम ठोकने जाते हैं, वो माफिया आपको नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन एक ऐसा लड़का जिसको आपने इतना बड़ा माफिया डिक्लेयर कर दिया, एक दो दिन में इनाम भी 1,00,000 रुपए का घोषित कर दिया, मुख्य आरोपी सरेंडर करता है, उसको तो आप जेल में डालते हैं लेकिन दूसरा आरोपी को आप पकड़ लेते हैं और उसका एनकाउंटर कर देते हैं। अनुराग भदौरिया जी, अब कार्रवाई इस तरीके से होगी क्या? अगर कोई बहुत बड़ा माफिया है, बंगले में रहता है, तो उसको पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? ऐसे कानून चलेगा क्या? और जब झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है तो कमरा नंबर 404 में इतना सारा सोना कैसे ले गया, करोड़ों की कैसे इसने लूटपाट कर दी? तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुख्य आरोपी जो मुख्य आरोपी था, जिसको मुख्य आरोपी बार बार कहा जाता है, मुख्य आरोपी तो सरेंडर कर रहा है, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जिसपे मुकदमे गंभीर मुकदमे थे वो सरेंडर करता है, और दूसरा आरोपी है जो कि मंगेश यादव है, इसलिए आप उसका पकड़ के रातों रात उसका 1,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर देते हैं, उसका एनकाउंटर भी कर देते हैं। आप बताइए, एक बच्चे के घर में अगर बुखार आ जाता है किसी को ना, तो पूरा परिवार बेचैन हो जाता है, बच्चे के अगर 103 डिग्री बुखार आ जाए तो पूरा परिवार घूमने लगता है डॉक्टर के आगे पीछे, और आपने तो उसको ले जाके 2 दिन पहले इनकाउंटर कर दिया। भाई ऐसा कैसा इनकाउंटर है कि 5 तारीख को इनकाउंटर होता है, 2 दिन पहले आप ले जाते हैं 2 तारीख को, और एक माँ, एक बेचारी बुजुर्ग माँ, एक लाचार माँ ये बात रोते रोते कह रही है, एक बहन एक रोते रोते कह रही है, क्या आप इस देश की माँ पे विश्वास नहीं करेंगे? बताइए क्या कह रही है वो क्या कह रही है? नहीं कह रही है कि 2 दिन पहले ले गए, 2 तारीख को लेके गए, उसके बाद आपने उनकी माँ और बहन का वर्जन सुना, वो कह रही थी कि उनके घर में नहीं बल्कि वो 2-3 महीने से बॉम्बे में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, वहां पर कमाने के लिए गया हुआ है, फिर घर से कहां से उसको पकड़ लिया? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, जो मैं आपसे कह रहा हूं, जो उन्होंने कहा एक माँ ने, जो अरे सुन तो लीजिए, वर्जन रोज देखिए आप इतना दबाव किसी पे पूरा ठीक है, ऐसे लग गया जैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा माफिया मंगेश यादव का, ऐसा कहानी बता रहे हैं, डीजीपी भी लग गए, पूरी सरकार लग गई, सब कूद पड़े बचाने के लिए। अरे भैया इतना बड़ा माफिया क्या था? ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश, राकेश त्रिपाठी जी ठीक है, ठीक है अनुराग भदौरिया जी आपने यहाँ पर अपना पक्ष रख दिया। राकेश त्रिपाठी जी किस तरीके से आप इसका जवाब देंगे? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बड़े बड़े माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होती, मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया लेकिन दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर उसका एनकाउंटर किया गया, अब क्या इस तरीके से होता है? जो आरोपी 12 लोग इसमें शामिल थे ना, आप मेरा भी समय अनुराग भदौरिया को दे दीजिए, क्योंकि अनुराग भदौरिया जितनी ज्यादा इस तरह की बकवास करेंगे ना, जनता के बीच में उतना ही ज्यादा एक्सपोज होते जाएंगे। ये स्पष्ट तौर पर जनता के सामने आ गया है कि समाजवादी पार्टी ही इन अपराधियों की पनाहगार है, इनकी करने वाली है। अरे अनुराग भदौरिया मत क्या करो भाई, तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ, बोलो आप, मैं चुप हो जाता हूँ, चिल्ला चिल्ला हुआ, अल्लाह करो आप, शोर करो आप, यही आपका चरित्र है ना, मूल चरित्र है समाजवादी पार्टी का, अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाना, अपराधियों की वकालत करना, अपराधियों के मारे जाने पर, अपराधियों के जेल जाने पर आंसू बहाना, हाथी पीटना, मातम मनाना, ये आपका चरित्र है, मैं जानता हूँ, और इसीलिए मैंने कहा था कि मेरा समय भी अनुराग भदौरिया को दे दीजिए, ताकि अनुराग भदौरिया का ये चाल चेहरा चरित्र जनता के सामने ठीक से आ जाए, जनता ठीक से इस बात को देख ले कि कैसे समाजवादी पार्टी अपराधियों के पक्ष में लामबंद होकर के खड़ी है और अपराधी के लिए कैसे तरह तरह के कुतर के घसने का काम कर रही है, जबकि मंगेश यादव कोई दूध का भुला नहीं, जिसके खिलाफ जॉब
राजनीति में इस प्रकार की बेशर्मी सामान्य तौर पर कभी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी तो रोज बेशर्मी का एक नया रिकॉर्ड खड़ा करने पर उतारू है। अनुराग भदौरिया जी, आपको सुनना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज, एक और सवाल, ठीक है। अनुराग भदौरिया, आपका ही कहना है, एक सेकंड अनुराग भदौरिया सुन तो लीजिए। आप राकेश त्रिपाठी को भी नहीं सुन रहे, आप मुझे भी नहीं सुन रहे, अभी इंटरोगेट कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, दिक्कत ही आप सुन रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के ये जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं, जिस अपराधी की, वो आपको पता है दो बार पहले भी जेल जा चुका है। अपेक्षा करता हूँ कि पुलिस इनको भी इंटरोगेट करे। ये जो समाजवादी पार्टी के नेता, ये मंगेश बहुत बड़े लगातार वकालत करने का काम कर रहे हैं। भदौरिया, आपको सुनना पड़ेगा। बॉर्डर सुप्रेंडेंट भी यही शामिल है क्या? क्या इनके लिए थे पर वो इस प्रकार के लूट करने का काम कर रहा था? या अनुराग भदौरिया को जितनी पीड़ा है ना, उससे लग रहा है कि ठेके पर काम अनुराग भदौरिया ने दे रखा था, और अनुराग भदौरिया के ठेके पर किए गए इस टाइम में सफल हो गया। बड़ी पीड़ा इनको पहुंची है, इसलिए अनुराग भदौरिया को भी इंटरोगेट करना चाहिए।